दूसरा जो केस है इलेक्ट्रिक डायपोल का भी इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो फिर ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस की चार्ज और माइनस की चार्ज, इसका डिस्टेंस हम लोग 2a ले लिया है और o जो है सेंटर है और o से जो a प्लस क्यूब चार्ज का जो डिस्टेंस है वो a है, तो यहां भी डिस्टेंस a होगा। इक्वेटोरियल प्लेन हम लोग ये बोल रहे हैं इसका मिड पॉइंट से इधर डॉट 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 इधर इक्वेटोरियल प्लेन और इधर भी इक्वेटोरियल प्लेन है, तो हम ऊपर की ओर ले रहे हैं जहां पे हम पॉइंट पी एम रख दे रहे हैं इसका नाम। इस पे हमको निकालना है इक्विटोरियल प्लेन पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है, तो इसके लिए भी ऐसे डिस्टेंस क्यू से मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, तो ये एक इक्विटोरियल प्लेन है। इस पॉइंट पे हम लोग को निकाल जानना है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है। अगर ये डिस्टेंस ए है और इस ओ से जो है इक्विटोरियल प्लेन का जो डिस्टेंस हम लोग एक्स मान रहे हैं, तो फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो माइनस क्यू चार्ज के लिए भी उतना ही डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम लोग को जानना है कि इस इक्विटोरियल प्लेन पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है। यही चीज लिख दिए, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल है और लेट मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डिस्टेंस है वो 2a है और जो ये सेंटर ऑफ डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का ये सेंटर है और ये सेंटर का मिड पॉइंट से लिए ये है इक्विटोरियल पॉइंट और इस पी पॉइंट में हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग को चाहिए वी नीड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट्स ऑन इक्विटोरियल प्लेन पे हम लोग देख रहे हैं, तो पोटेंशियल हम लोग इक्विटोरियल पे देख रहे हैं, तो फिर हम लोग लिखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण जितना बन रहा है पोटेंशियल दोनों का सम कर देंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण जितना बन रहा है पोटेंशियल, तो इसके लिए बन रहा है के क्यू, इसके लिए डिस्टेंस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां पे ये माइनस चार्ज है तो माइनस लग जाएगा के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक प्लस में है वैल्यू, तो ये वैल्यू कट जाएगा और इक्विटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है तो यहाँ पे वर्क डन करना ही नहीं पड़ता है, तो सो डायपोल इसमें बनाना नहीं पड़ता।